देखना पड़ेगा कि एटीएम है कहाँ पे। आप मैं तो लाज के मारे हो गए पानी पानी। तेरा ध्यान किधर है? थोड़ा सा आराम मिला यार हमारे पास है ना, और जो चीज हम रखे थे वो भी खर्च होने वाला। तुझे देख के पहली बार वाला है और पैसा भी एटीएम से नहीं निकल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज आपका भाई फिर से हर रोज की तरह आप लोग का इंटरटेन कराने के लिए निकल गया है जैतपुर के लिए, जहां काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जैतपुर पब्लिक प्लेस का सीन जो है ना गाइस, तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो आप लोग आखिर तक बने रहिएगा और एंजॉय करिए ये प्यारा सा ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं जैतपुर। अब जा रहा हूं थोड़ा सा मार्केट के अंदर, जिधर मतलब थोड़ा सा पब्लिक प्लेस है, तो उधर जा रहा हूं गाइस। तो देख, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली, तो देखते हैं क्या सीन होने वाला है। इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा इस ब्लॉग को गाइस। तो हम आए थे थोड़ा सा एटीएम, लेकिन पैसा ही नहीं दे रहा भैया। कुछ दे रहा भैया? नहीं दे रहा। तो गाइस, थोड़ा सा पॉप आउट हो गया, कुछ जेब खर्चा भी नहीं था हमारे पास है ना, और जो चीज़ हम रखे थे वो भी खर्च होने वाला है और पैसा भी एटीएम से नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ ही रहा है यार, देखते आगे क्या सीन होने वाला है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे ना, तो अभी क्या है कि आगे भी देखना पड़ेगा एटीएम है कहाँ पे। एक ही एटीएम मेरे को यहाँ पे दिखा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, समझ रहे हो, समझ रहे हो, प्रॉब्लम भी आ रहा है। थोड़ा सा हॉस्पिटल तरफ देख लेते हैं, शायद वहाँ पे एक आगे हॉस्पिटल है, तो उधर देखना पड़ेगा। खत्म नहीं होता है भैया, धूप बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे है यात्री प्रतीक्षालय, यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं ना, थोड़ा ठंडक मिल गया है, थोड़ा सा पानी पी लिए रहे। और बैठ सकते भैया? नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। चेहरा क्या देखते हो? भैया से पूछ रहे थे बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, तो भैया बता दिए हम। कहाँ से भैया? हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँख। कहाँ से हैं आप? यही लोकल भैया, यहाँ के लोकल हैं, तो यही भी बैठ लेते हैं गाइस। क्या करें यार, काफ़ी धूप हो गया था, आराम तो कर लिया हूँ। थोड़ा सा मेरे को निकलना होगा क्योंकि लेट काफ़ी हो गया हूँ यहाँ से है ना, तो अभी मेरे को जाना ही होगा क्योंकि अब काफ़ी देर हो गया यहाँ पे खड़े खड़े है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं होटल साइड में ना, तो पानी पी लेता हूँ गाइस, इसके बाद तुरंत निकलूँगा क्योंकि काफ़ी देर का हो, मंगरू अब कहाँ करवा, देर हो चुका है ना यहाँ पे आया है। और ग्रुप तो गाइस, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद निकलता हूँ ठीक है। तो कितनी खूबसूरत है मुझे तेरी, थोड़ा सा आराम मिला यार। तो फाइनली गाइस, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, जैसे ही वहाँ पहुँचूँगा ना, तो वहाँ का भाई मैं सीन आप लोग को एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी देर से यहाँ पे चल रहा हूँ है ना, और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे घूमने के बाद। तो फाइनली गाइस, मैं आ गया हूँ दरगाह की तरफ है ना। यहाँ पे एक दरगाह है, उसके जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी नदी निकली हुई है, और नदी पे कुछ काम भी चल रहा है, मैं आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पे स्टाफ डैम बनाया जा रहा है ना, पीछे काफ़ी लोग लगे हुए हैं, और ये काफ़ी यहाँ पे काफ़ी बड़ा नदी भी निकला हुआ है गाइस, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं है ना। और बहुत अच्छा नदी निकला हुआ है यहाँ पे, मतलब मेला भी लगता है मकर संक्रांति के दिन। कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ाना। मिलते हैं गाइस इसी तरीके के इंटरटेन ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।